हाय दोस्तों, मैं आज आप लोग को इंग्लिश में लेकर चलता हूँ। इंग्लिश में मैं आप लोग को पहले शुरू से बताता हूँ। इंग्लिश में तीन टेंस, टेंस में तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीन तीन के भी चार चार भाग होते हैं। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे उसके भी पास्ट के भी होते हैं, फ्यूचर के भी होते हैं। आज हम लोग पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट लेंगे, ठीक है। देखो आप लोग ध्यान से देखो दोस्तों, प्रेजेंट इसकी पहचान क्या होगी? पहले इसकी पहचान होगी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, और काम वर्तमान में होता है किंतु, और काम वर्तमान में होता है किंतु कार्य पूर्ण अथवा अपूर्ण होने का ज्ञान नहीं होता, किंतु कार्य पूर्ण या अपूर्ण होने का ज्ञान नहीं होता। होने का ज्ञान नहीं होता, ठीक है। पहचान आप लोग की है, आप लोग आशा करूंगा लिखते हुए। मैं उदाहरण लेता हूँ, जैसे मैं टहलता हूँ, इसका होगा आई वॉक, और जैसे होगा वे लोग काम करते हैं, वे लोग देखो इसमें ता है आ रहा है, इधर भी ते है आ रहा है, ठीक है। यही सब पहचान होगी, दे वर्क, वे लोग काम करते हैं। वे की स्पेलिंग दे होगा और काम करने का वर्क होगा। जैसे मोहन गाता है, मोहन गाता सिंह, एक लग लेते पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है, द अर्थ मूव्स, ठीक है। ये आप लोग का इसमें ता है, ते है, ता। अभी जो मैंने करके देखा अफर्मेटिव में हुआ, अब आपको निगेटिव हो जाता है, तो निगेटिव अगर सेंटेंस रहा तो, ठीक है। अगर निगेटिव सेंटेंस रहा तो पहले एस लगेगा, फिर डू या डज लगेगा, टू या डस लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट, ठीक है। पहले सब्जेक्ट, फिर टू या डस, फिर प्लस नॉट लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं
क्या होगा? आई, आई साथ हमेशा डू लगते रहा, डू नॉट। अब पढ़ना का होगा रीड, रीड। अब जैसे देख लेते हैं, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता, वह वह का होगा ही। अब देखो, ही एक सिंगुलर है तो इसके साथ डज लगेगा, ही डज नॉट रीड। ठीक है, अब जैसे लिखा जाए, सीता नहीं पढ़ती, सीता नहीं पढ़ती, इसमें क्या रहेगा? सीता, सीता एक वचन है तो डज लगेगा, सीता डज नॉट रीड। ठीक है, आप लोग को समझ में आएगा। निगेटिव में, निगेटिव पहले सब्जेक्ट था, फिर डू था, फिर नॉट था, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालें। ठीक है, अब हम लोग आप लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे लिख चलते हैं। दोस्तों, आप लोग को अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को पीछे करके देखो, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। देखो, इंट्रो इंट्रोगेटिव समथिंग क्या रहेगा? डू या डज जो भी रहेगा उसको पहले प्रयोग करेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट रहेगा, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रूल भी आते हैं, रूल रूल मान लो, ले लो रूल में क्या पहला रहेगा? आदत अथवा दैनिक कार्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आदत कोई हो, कोई आदत हमेशा के लिए, आदत और दैनिक कार्य, दैनिक कार्य जो डेली का कार्य है, अगर ये एक्टिविटी हो रही है तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो देखो, मैं आई, उठना क्या होगा? गेट अप, आई गेट अप। ठीक है, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे। इंट्रोगेटिव, इसमें क्या रहेगा? पहले डू या डज, फिर पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे लेते हैं, क्या वह पढ़ता है? इसमें क्या रहेगा? वह किस पे नहीं, क्या होगा? ही, एक वचन है। ठीक है, तो डज आएगा, डज ही, डज ही पढ़ने का रीड। ठीक, अगर यही इंट्रोगेटिव निगेटिव रहता तो क्या रहता? क्या मैं
क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, अभी सिंपल था बट अभी निगेटिव, तो इसमें क्या रहेगा, मैं के साथ डू आएगा, डू आई नॉट रीड। ठीक है, डू नॉट आई रीड, डू आई नॉट रीड। ठीक है, ऐसा करता हूँ आप लोग समझ में। थोड़ा सा और पॉइंट है, आप लोग देख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फिर इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का खत्म हो गया। ठीक है, देखो इसमें दो रूल आते हैं, रूल वन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता रहा हूँ, इसमें आदत या दैनिक जीवन, आदत या दैनिक जीवन मतलब कोई आदत हो या रोज का दिनचर्या में अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होता है। जैसे मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे मैं कहूँगा आई, उठना का गेटअप, आई गेटअप डेली। इन द मॉर्निंग, एक हम लोग और लेते हैं, सीता प्रतिदिन रामायण पढ़ती है, रामायण पढ़ती क्या है, सीता प्रतिदिन रामायण पढ़ती है, तो लेंगे सीता सीता रीड्स, सीता रीड्स द रामायण डेली, द रामायण डेली। ठीक है, ये फर्स्ट रूल हुआ। अब आप लोग को सेकंड रूल बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लो और इसको उतार लो, नोट डाउन। देखो रोल दूसरा क्या है, जनरल ट्रूथ, ट्रूथ मतलब सामान्य सत्य, सामान्य सत्य, समान सत्य मतलब जनरल ट्रूथ व्यक्त करने वाले के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य पूरब से उगता है, सूर्य पूरब से उगता है। अब इसमें क्या है, देखो द सन राइसेस इन द ईस्ट, द सन राइसेस ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो पूरब से उगता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। ये
यह सत्य है, ट्रूथ है। सूर्य पूरब छिपता है, ये भी सत्य है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, ये भी सत्य है। तो इसमें आएगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अराउंड द सन, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, द अर्थ मूव अराउंड द सन, ठीक है। दोस्तों आज प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हुआ, कल हम आप लोग को नेक्स्ट भाग में प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताएंगे, ठीक है। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। बाय।